तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। मेन पार्ट में तो कुछ किला से वो आपको जो चीज बताई थी, किला और किले से ये जगह दिखाई थी। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद दोबारा से हम एंट्री कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग लाइफ में। तो गाइस थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा सा फीवर के साथ दो तीन दिन रेस्ट करने के बाद हम फिर से अपनी ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल में वापस एंटर हो चुके हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस के साथ। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना सुंदर प्लेस है। तो ये रहा भाई चिनकी रोड, नरसिंहपुर टू चिनकी रोड। तो यहाँ से हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू पॉइंट देख सकते हो आप यहाँ से। तो मैंने पिछले दो तीन ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किए हैं जब मैंने यहाँ का प्लेस कवर करने स्टार्ट किए थे। तो हमने यहाँ पर मृगन्नाथ, इसी रूट में मृगन्नाथ हैं, इसी रूट में गरारू वाले वो मंदिर, दो जो मंदिर मैंने कवर किए थे। तो आज चल रहे हैं हम पिठेरा। तो वहाँ पर एक फोर्ट है, किला है पिठेरा फोर्ट करके, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तो यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो बहुत जल्द और भी अच्छे अच्छे प्लेस आने वाले हैं मेरे ब्लॉग्स में। तो बने रहिए मेरे चैनल में। तो वीडियो में आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन, और जितना हो सके उतना मेरे वीडियोस को शेयर करना। तो यहाँ का एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है, वहाँ चलते हैं झरना, और एक भाई भी हमारे साथ इस ब्लॉग में जुड़ रहे हैं। तो ये रही भाई सेड़ नदी, और यहीं से हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो तकरीबन दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो हम अब घर से निकले हुए हैं। तो लेट्स गो देन राइड, एंजॉय कीजिए इस रोड साइड व्यू पॉइंट्स को, और मिलते हैं वहीं जाकर हम। तो अभी दिखाता हूँ पुल के नीचे का नज़ारा, तो किस तरीके का यहाँ पर झरने जैसा एक सीन बनता हुआ, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये देख सकते हो आप कितना सुंदर व्यू पॉइंट है यहाँ पर। ये झरने जैसा सीन बनता हुआ, और हम थोड़े 2-4 मिनट से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, मछली और क्या क्या पकड़ लिया, केकड़े। तो यहाँ पर मछलियाँ फिशिंग की जा रही है, और ये रहा सुंदर सा व्यू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सफर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छे लोग हमको देख के हंस रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम केरपानी घाट के पुल पर। ये देख सकते हो आप माँ नर्मदा का अभी अभी बना है, तकरीबन 2-3 साल पहले इस पुल का निर्माण किया गया है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। तो जिसको पता है ये केरपानी घाट, तो कमेंट जरूर करना कि भाई तो पता है। देख सकते हो कितना भव्य सीन, बहुत ही मस्त यहाँ से नज़ारा, और अभी नर्मदा जी माँ
गहराई समय सीमा पर। तो वहां पर आपको दिख रहा होगा देख सकते छोटे छोटे वो है गरारू के वो मंदिर, गरारू का वो गरुड़ मंदिर। धूप आ रही होगी इस तरफ से, गरारू के वो गरुड़ मंदिर जिनका हमने ब्लॉग्स शूट किया था। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो हम भी माँ के चरण स्पर्श करते हैं, माँ रमदा के, और अपने सफर को जारी रखते हैं। तो इन सिनेमैटिक में माँ के दर्शन कीजिए आप भी। तो माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने सफर की ओर। तो गाइस हमको जाना है इस तरफ, तो इस तरफ है गरारू मंदिर और उसी के सामने है पिठेरा गांव, वहीं पर है वो किला। तो मैंने बहुत गूगल में उसके बारे में बहुत सर्च किया, देखा भाई, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा कि उसको मुझको कवर करना चाहिए। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कमेंट में कि भाई पिठेरा जाओ, वहाँ पर एक छोटा सा किला है, फोर्ट है, छोटा सा फोर्ट है। तो उसकी जानकारी वहीं चलकर आपको देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हर हर नर्मदे। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम जबलपुर भोपाल हाईवे, जो कि अभी कार्य स्टार्ट है इसका कार्य। तो यहाँ से ये करोड़ मिला है और आप यहाँ के दृश्य देख सकते हो, यहाँ से हो चुका है भाई प्रकृति का नेचर स्टार्ट। तो हम अभी सरसला से भोपाल जबलपुर की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ से पिठेरा का रोड तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना आप लोगों को जानकारी देता चलूं। तो चलिए चलना है। पिठेरा यही रास्ता जाता है, एंटर बैंक पिठेरा। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं पिठेरा फोर्ट। पिठेरा गांव के बाहर हम खड़े हैं, यहां से हमको किला साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो शायद आपको भी दिखाई दे। ये देख सकते हो यहां पर दिख रहा है ये किला, और ये लगा हुआ है यहां पर पिठेरा गांव का बोर्ड। तो
हम गांव के बाहर ही खड़े हैं, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, क्यों ना आपको मैंने सोचा जानकारी दे दी जाए गांव के बाहर से ही। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पिटेरा फोर्ट, और यहां पर देख सकते हो यहां पर डला हुआ है ताला। तो इस ताले की चाबी यहां के महाराज जी के पास है, और वो शायद यहां पर है नहीं। तो ये देख सकते हो आप, ये रहा भाई किला, बहुत ही सुंदर है भाई, सभी किलों से बेहतर इसकी स्थिति मुझे समझ में आ रही है यहां से बाहर। और ये देख सकते हो ये डला हुआ है ताला। तो अब हम अंदर जाने की व्यवस्था करते हैं, कैसे अंदर जा सकते हैं हम अंदर। तो हम भैया को लेकर आ चुके हैं इधर, देख सकते हो भैया चाबी लेकर आए हैं, और अब गेट खोल रहे हैं, अब चल रहे हैं हम अंदर। तो किले को करते हैं एक्सप्लोर और जानकारी लेते हैं इस किले के बारे में, और थोड़ा इसको शायद रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है। तो यहाँ पर लिखी हुई है किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और ये एक संरक्षित स्मारक है। आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो इस किले के बारे में। यहाँ पर कुछ जुर्माना भी लिखा गया है, जो कि किले को अगर क्षतिग्रस्त या कुछ करता है। तो ये लिखी है किले के बारे में जानकारी, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं किले की तरफ, ये देख सकते हो आप किला। तो ये देख सकते हो भाई किला, यू तो पैर के जा सकर। तो ये देख सकते हो गाइस किले के दोनों ओर ये गुंबद नुमा ये बनाए गए हैं भाई। तो अब हम एंटर करते हैं किले के अंदर, तो कितना बेहतरीन है, और इसकी पुताई वगैरह पहले भी करवा चुके हैं। तो ये देख सकते हो गाइस अभी आ चुके हैं किले के मेन पार्ट में। तो कुछ किला की अवशेष हैं भाई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये देख सकते हो किला भाई, अंदर से इस टाइप का दिखता होगा। तो और जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से बनाई गई हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और ये देख सकते हो भाई यहाँ पर पैरेट जो कि तोता यहाँ पर उड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा किले के पूरे पार्ट्स वगैरह भाई, क्या शान रही होगी इसके अपने समय में। सामने का जो कि पूरा फेस वो कि सेफ है, तो मास्क रिमूव कर देता हूँ गाइस, इतना बेहतरीन भाई। जब मैं भाई गरुड़ मंदिर का ब्लॉग शूट करने आया था, उस जगह को एक्सप्लोर करने आया था, तब मैंने उस तरफ से इस किले को देखा था। अब मैं आपको इस तरफ से गरुड़ मंदिर का जो कि पार्ट है वो दिखाता हूँ। पहले सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं, पूरा किला आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो ये सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर, ये ऊपर का पार्ट जो सेफ है। कुछ किले का थोड़ा सा पार्ट वहां पर भी है, वो दिख सकता है, वहां भी चलेंगे हम लोग। अभी ये देखिए आप, मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ये छत है भाई किले की, पहले की छत है, काफी पुरानी छत है, ये देख सकते हो गाइस। मुझे ऐसी जगहों को देखना और एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है भाई, बहुत ज्यादा कह सकता हूँ, एक आनंद की अनुभूति होती है इन पुरानी जो इमारतें होती हैं उनको देख सकते हो। कुछ हिस्सा भाई क्षतिग्रस्त है, और इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। ये कुछ सामने के फेस को
कुछ यहाँ भी ठीक किया गया है और ये पीछे का हिस्सा तो जर्जर हो चुका है। तो इस तरफ और देख लेते हैं क्या भाई, मजा आ गया भाई। जितना सुना था उससे भी मैंने अधिक पाया। इधर जो हम चौगान किले गए थे वहाँ तो भाई इतना हिस्सा भी नहीं है, पूरा जो कि है डैमेज हो चुका है, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा सेफ कर लिया गया है यहाँ के लोगों द्वारा और कुछ मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जो कि पर्यटन स्थल इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर ये स्मारक भाई, ना खूबसूरत है। तो इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट आप यहाँ के, और मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई कैसा लगा आपको ये किला। तो एंजॉय दिस प्लेस एंड दिस सिनेमैटिक शॉट। तो गाइस ये रहा पिठेरा फोर्ट, जो राजा बलवंत सिंह के शासन में बनाई गई एक सुंदर स्मारक या इमारत बोल सकते हैं हम। तो धन्यवाद पुरातत्व विभाग वालों का जो इसको अभी तक इतना सेफ बचा के रखा हुआ है। अभी देख सकते हो कितना सुंदर। तो ये है नरसिंहपुर जिले की एक और शान। तो अभी आपने देखा, तो चलिए बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर साइड में एक और छोटा सा मुझे स्मारक दिख रही है, क्या बोलते हैं, मस्जिद। हाँ मस्जिद है, वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है, तो वहाँ भी चलते हैं। तो बढ़ते हैं, तो बड़ी खतरनाक ट्रैकिंग चलती हुई इस अननोन प्लेस को हम भाई किले को देख कर आ चुके हैं। और यहाँ पर हमको कुछ ले पकड़ देख जगह, ये देख सकते हो आप किले की अननोन प्लेस। ये किले का कुछ हिस्सा ही रहा होगा भाई किसी समय में, या बावड़ी या कुछ भी हो सकता है भाई। देख सकते हो आप ये दीवार, देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी दीवार जो भी पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। मैंने वो किले से वो आपको जो चीज बताई थी, तो उसी की तरह हम बढ़ते हुए हमको रास्ता मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर पत्थर की दीवार और कुछ हिस्से हमको मिल चुके हैं। ये देख सकते हो आप ये कितनी बड़ी बड़ी दीवार है, यहाँ पर रह वहाँ पर है क्या। तो एक मिनट, तो यहाँ पर है क्या भाई, कुछ हिस्सा मुझे वहां से दिख रहा था, क्योंकि ये देख सकते हो ये है सामने किला। तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कुछ हिस्सा इधर बड़ी मुश्किल से पहुंचे भाई, रास्ता यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो भाई ये बावड़ी हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मोटी मोटी चट्टान, ये देख सकते हो ये पत्थर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पूरा एक पत्थर का हिस्सा है। और यहाँ पर ये पत्थरों को काटा गया है, क्या किया गया है, या कोई दीवार थी या कुछ यहाँ पर स्मारक रही होगी ये हिस्सा। तो अब बढ़ते हैं हम, ये रहा भाई सामने क्या है यहाँ पर। तो मैंने वहां से किले से देखा था इस जगह को ये, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आ पाए हैं भाई। ये ट्रैकिंग आज
तगड़ी हो गई भाई यहाँ पर आने की। भाई कितने मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये देख सकते हो आप भाई, बहुत ही तगड़ी ट्रैकिंग। तो यहाँ पर हमको तो इसको देखना था, ये देख सकते हो, और यहाँ पर है ये मजार, देख सकते हो। तो जय हो, इनको भी हम नमन करते हुए। तो वो है सामने किला, और किले से ये जगह दिखाई थी मैंने, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा व्यू आता हुआ। तो हम किले से भी चाहते तो यहाँ पर आ सकते थे, यहाँ से देख सकते हो ये रास्ता बनाया गया है, और ये पूरा शायद किले का ही हिस्सा रहा होगा किसी समय में, जो कि अब पूरा क्षतिग्रस्त। ये सुंदर सा प्लेस और ये सुंदर सी वादियाँ, भाई व्यू तो तगड़ा वाला आ रहा है, ये तगड़ा वाला व्यू। तो गाइस एंजॉय कीजिए इन सुंदर व्यूज के सिनेमैटिक को। तो एक चीज और बता दूं, जब मैं गरारू आया था गरुड़ मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए, तब मैंने उस तरफ से इस तरफ का नजारा दिखाया था, तो वो वक्त आ चुका है जब मैं इस तरफ से उस तरफ का व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, वो है सामने गरारू, गरारू ग्राम, और वो है भाई रहा गरुड़ मंदिर। ये गरुड़ मंदिर है और ये वो शिव मंदिर है। तो मैंने दिखाया था ये भाई आपको फोर्ट, पिठेरा का फोर्ट उस तरफ से। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको गरारू के वो गरुड़ दो मंदिर, शिव मंदिर और गरुड़ मंदिर। तो इस व्यू पॉइंट से यहाँ पर आने का जो हमारा मकसद था वो हो गया है सफल। तो एंजॉय कीजिए इन पूरे नजारों को, और मिलते हैं आपको यहाँ से नीचे। गाइस हम आ चुके हैं फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद माँ नर्मदा के तट पर। ये देख सकते हो आप, ये पूरा इधर से लगा के ये पूरा घाट है भाई। एक तरफ है ग्राम गरारू और इस तरफ है भाई पिठेरा, और उसके बीच में हम हैं। तो हमने गरारू का जो ब्लॉग शूट किया था वो तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन पर मैं फिर से लिंक दे दूंगा। और इस ब्लॉग को करने वाले हैं हम यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जितना हो सके उतना, मेरे वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में अगले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इसका एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।